विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर पर रिलीज से पहले ही खतरा मंडराने लगा है। एक ओर जहां लाइगर को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज दिख रहा है, तो वहीं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाइगर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। लाइगर को लेकर चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड पर अब विजय देवरकोंडा ने चुप्पी तोड़ी है और हेटर्स को करारा जवाब दिया है। विजय देवरकोंडा ने बॉयकॉट ट्रेंड और हेटर्स के बारे में बात की। बॉयकॉट गैंग को फटकारते हुए विजय ने कहा, तो करने दो बॉयकॉट, क्या करेंगे हम तो पिक्चर बनाएंगे। जिन्हें पिक्चर देखनी है वो देखेंगे, जिन्हें नहीं देखनी वो टीवी या फोन पर देखेंगे। विजय देवरकोंडा का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया और फिर उनकी फिल्म को लेकर बॉयकॉट लाइगर ट्रेंड कराने लगे। अब एक इवेंट में विजय ने अपने हेटर्स को करारा जवाब देते हुए कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि आखिर उनका मसला क्या है और वो चाहते क्या हैं। विजय ने आगे कहा, हम अपनी साइट पर ठीक हैं। मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ है, पुरी सर का जन्म नरसीपट्टनम में हुआ, तो क्या हमें काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपनी फिल्में रिलीज नहीं करनी चाहिए? क्या हमें घर में बैठ जाना चाहिए? विजय ने आगे कहा, आप सब देख ही रहे हैं कि ऑडियंस हम पर कितना प्यार बरसा रही है। मैं उस ऑडियंस के लिए मूवीज कर रहा हूँ, मुझे वो ऑडियंस चाहिए। डरने की जरूरत ही नहीं है जब तक हमारे साथ वो लोग हैं। विजय देवरकोंडा ने ये भी कहा, जब हम सही हैं और हम अपना धर्म निभा रहे हैं तो किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, हमें फाइट करनी चाहिए। मुझे कोई डर नहीं है, हमने दिल से फिल्म बनाई है, हम सभी इसी देश के हैं और हमें पता है कि हम अपने देश और यहाँ के लोगों के लिए कितना करते हैं। हम उस बैच में से नहीं हैं जो कंप्यूटर के आगे बैठकर बस ट्वीट करते हैं, हम उनमें से हैं जब कुछ होता है तो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। लाइगर फिल्म को ट्रोल करने वालों को तो विजय देवरकोंडा ने करारा जवाब दे दिया है। अब देखते हैं कि फिल्म के रिलीज के बाद इसे दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। लाइगर 25 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म में विजय के साथ लीड रोल में अनन्या पांडे भी दिखेंगी। आप तैयार है ना लाइगर देखने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।